हमें वापस क्यों ले आए? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या शुरू कर दिया? हम अपना घर बचा रहे थे। तुम अपने दोस्तों को बचा नहीं सकते। एक साम्राज्य को क्या बचाओगे? इसका इलाज करना पड़ेगा। ले जाओ। अगर आप कदम उठाने से घबराएंगे तो हिफाजत करने के लिए साम्राज्य बचेगा ही नहीं। कीमत चाहे जो भी हो, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि एस्गार्ड का नया राजा कायर नहीं है। ये तुम्हारा गुरूर और गुमान बोल रहा है। एक राजा नहीं, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया तुम भूल चुके हो। एक योद्धा का सब्र। आप सब्र से इंतजार करते रहिए और 9 रियासतें हम पर हंसती रहे। पुराना वक्त नहीं रहा। आप बयानबाजी करते रहिए, एस्गार्ड बर्बाद होता रहेगा। तुम एक घमंडी, लालची और बेरहम लड़के हो। और आप बूढ़े और बेवकूफ हैं। मैं बेवकूफ था जो समझ बैठा कि तुम राजा हो। पिताजी। हे तो ओडिन के बेटे, तुमने अपने राजा के हुक्म की तौहीन की है। अपने घमंड और बेवकूफी की वजह से तुमने इस अमन चैन वाली रियासतों और बेकसूर लोगों को जंग की तबाही और सूनेपन के अंधेरे में धकेल दिया। तुम इन रियासतों के लायक नहीं हो, अपने खिताब के लायक नहीं हो। तुम उन सब अपनों के लायक नहीं हो जिनके साथ तुमने दगा किया। मैं अब तुमसे तुम्हारी ताकत वापस लेता हूं। अपने पिता के नाम और उनसे पहले उनके पिता के नाम, मैं ओडिन सबका पिता तुम्हारा बहिष्कार करता हूं। जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा, अगर वो इस योग्य है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी।